बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खून के रिश्ते। कहते हैं कि एक दिन गांव के कुएं पे अजीब माजरा हुआ कि जो डोल भी कुएं में डाला जाता वो वापस ना आता, जबकि रस्सी वापस आ जाती। सारे लोग खौफ ज़दा हो गए कि अंदर ज़रूर कोई जिन जिन्नात है जो ये हरकत करता है। आखिर ऐलान किया गया कि जो बंदा इस राज का पता लगाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। एक आदमी ने कहा इसको इनाम की कोई ज़रूरत नहीं, मगर वो गांव वालों की मुसीबत के अजाले के लिए ये कुर्बानी देने को तैयार है। मगर एक शर्त है कि मैं कुएं में उस सूरत उतरूंगा जब रस्सा पकड़ने वालों में मेरा भाई भी शामिल हो। उसके भाई को बुलाया गया और रस्सा पकड़ने वालों ने रस्सा पकड़ा और एक डोल में बिठा कर उस बंदे को कुएं में उतार दिया गया। उस बंदे ने देखा कि कुएं में एक मचिंदर किस्म का बंदर बैठा हुआ है जो डोल से फौरन रस्सी खोल देता है। उस बंदे ने अपनी जेब को चेक किया तो उसे गुड़ मिल गया। उसने वो गुड़ उस बंदर को दिया, यूं बंदर उससे मानूस हो गया। बंदे ने उस बंदर को कंधे पर बिठाया और नीचे से जोर जोर से रस्सा हिलाया। गांव वालों ने रस्सा खींचना शुरू किया और जूं ही डोल अंधेरे से रोशनी में आया वो लोग बंदर को देखकर दहशत ज़दा हो गए कि ये कोई अफरियत है जिसने उस बंदे को खा लिया है और अब ऊपर भी चढ़ाया है। वो सब रस्सा छोड़कर भागे, मगर उस बंदे का भाई रस्से को मजबूती से थामे ऊपर खींचने की कोशिश करता रहा। आखिर वो किनारे तक पहुंच गया। कुएं से निकलकर उसने बंदर को नीचे उतारा और लोगों को उस बंदर की कारस्तानी बताई। फिर कहा कि मैंने इसलिए अपने भाई की शर्त रखी थी कि अगर मेरे साथ कुएं में कोई अनहोनी होगी तो तुम सब भाग निकलोगे, जबकि भाई को खून की मोहब्बत रोके रखे की याद रखे। कोई लाख अच्छाई करे मगर खूनी रिश्ते आखिरकार खून के रिश्ते ही होते हैं, उनकी कदर करें।